और गुरुदेव, और मैं तो नमन करता हूँ गुरुदेव, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे संत जन्म हुआ हमारे आपके माध्यम से, पूरे देश का कल्याण करने के लिए और बीमारी को हटाने के लिए, जो असाध्य बीमारी है उनके लिए आपने पूरे देश में डंका बजाया, उसके लिए मैं बार बार गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करता हूँ। त्रिकालदर्शी गुरुदेव, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। और गुरुदेव, मैं तो आपके चरणों में पहले यही प्रार्थना करूंगा, अगर मेरे से अनजाने में कोई गलती हुई तो गुरुदेव मुझे अपना बच्चा अपना भक्त समझकर क्षमा कर देना। गुरुदेव, मैं सारी जिंदगी गुरुदेव, मैं धर्म से शिव भगवान के साक्षात मानकर, आपको गुरु मानकर मैं साक्षात बात कहता हूँ गुरुदेव, मैं सारी जिंदगी इस दरबार का और लोगों का भला करने का काम करूंगा गुरुदेव। और जो दरबार मेरे लायक सेवा लगाएगा गुरुदेव, मैं धर्म से कहता हूँ, अपने माँ बाप को साक्षी मानकर, मैं दरबार के जो मेरी दरबार मेरी सेवा लगाएगा, मैं दरबार में उसी तरह रहना चाहता हूँ जो गुरुदेव मैं आपके दरबार में पहली बार आया था गुरुदेव। खुश है, बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुदेव, और मैं तो नमन करता हूँ गुरुदेव, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे संत जन्म हुआ हमारे आपके माध्यम से, पूरे देश का कल्याण करने के लिए और बीमारी को हटाने के लिए, जो असाध्य बीमारी है उनके लिए आपने पूरे देश में डंका बजाया, उसके लिए मैं बार बार गुरुदेव के पावन चरण में नमन करता हूँ। खुश है बेटा, प्रसन्न है गुरुदेव। 10 दिन से मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ, 10 दिन से मैं इतना रोया, मेरा बच्चा इतना रोया, किसी अनजान गलतफहमी की वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए, लेकिन गुरुदेव मेरा बच्चा, मैंने पहले भी जब आपको सम्मान करने के लिए एक ही बात कही थी गुरुदेव, कि हम जाने में अनजाने में हमसे कोई गलती चूक हो जाते हमें क्षमा करना गुरुदेव, हम आपकी शरण में। और मेरा बच्चा पहले से कहता था, पापा मेरा, मैं वहां गुरुजी के वहां ठीक होऊंगा, मेरा सारे कष्ट हमारे वहीं ठीक होंगे। इसको ले और गुरुदेव एक अर्चना और, महामंडलेश्वर स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी ने एक अर्जी निवेदन किया आपको, कि आपका हरियाणा में जब भी दौरा होगा, पूरा हरियाणा का संत समाज आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता है गुरुदेव। जब भी आपका जो हरियाणा का दौरा होगा, पहले जीटी रोड बेल्ट पर वहीं से अभिनंदन शुरुआत होगी गुरुदेव, ये आपके चरणों में प्रार्थना है गुरुदेव। और मैं तो समस्याएं तो गुरुदेव हजार है, मैं सारी इसमें लिखी हुई है गुरुदेव, अब मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा गुरुदेव, आप खुद त्रिकालदर्शी है गुरुदेव, तो इन पे सभी पे ज्यादा तो मेरी समस्या मेरे बेटे की है गुरुदेव, कोई कहता है इसको ब्रेन में सोजिश है, कोई कहता है इसमें पितर बाधा है, प्रेत बाधा है गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी है। और मेरा छोटा भाई वो भी मेंटली अपसेट है, एक बड़ा था मेंटली अपसेट, वो भी गुजर गया गुरुदेव। ऐसी स्मृतियां थी जी, एक बच्चे को बाल ना ले दो, ये तो कह पापा ही बोल देगा, पापा ही बोलने वाला है जी। अच्छा ठीक है, ये कहे गुरुदेव का तो आप पापा ही बोलेगा, कोई बात नहीं। ओम ओम बैलेंस, 5 बार ओम नमः शिवाय के हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस आँख खोलो, क्या नाम लिखते हैं ये? दीपक गुरु जी, दीपक। एक संत ने नाम रखा था गुरु जी, बोला तेरे घर का दीपक रहेगा ये। दीपक, आपका आशीर्वाद रहेगा तब ये दीपक उज्जवल रहेगा। कुलदीपक, कुलदीपक आपका आशीर्वाद रहेगा गुरुदेव, तो सब दीपक रहेंगे हम, नहीं तो हम बुझ जाएंगे गुरुदेव, अपना आशीर्वाद हम पर रखो गुरुदेव। कोई नहीं बुझ रहा है, कोई नहीं बुझ रहा, बहुत रोते हैं गुरुदेव रात दिन हम, जब से बैलेंस स्मृति नष्ट की जाए। आप अपना क्या शुभ नाम लिखते हैं? अनिल शर्मा गुरुदेव। ये दो थे गुरुदेव, एक जो है असाध रोग के लिए भी है जी गुरुदेव, इसमें पितर बाधा, इस पे गुरुजी पितर बाधा, मेरा बड़ा भाई गुजर गया था गुरुजी, इसकी हरकतें वही है, वो भी मेंटली अपसेट है। अभी मैं आपसे बात करता हूं संदर्भ जी गुरुजी, तो ये स्लिप रख लीजिएगा, एक डेट वहां से ले लीजिएगा गुरुदेव। दो है ये, वो एक बड़ा छोटा भाई है गुरुदेव, वो मेंटली अपसेट है, वो आ नहीं आएगा, उसकी जगह इसी में संकल्प कर लीजिएगा, दोनों का संकल्प करिएगा, दो वो इसकी मम्मी इसके लिए बैठ जाए गुरुजी, मैं उसके लिए बैठ जाऊँ, मेरा भाई है, मेरा माँ बाप को बड़ी चिंता रहती है उसकी गुरुदेव, मैं दोनों बैठ जाएंगे जी।
ये निशुल्क हवन है, निशुल्क एक दिवसी। गुरुदेव महाराज तो आपने ऐसे सब कर दिया। गुरुदेव मैं ज्यादा नहीं कहता गुरुदेव, बस मुझे तो अपने चरणों से लगा लो। मैंने ऐसा दरबार नहीं देखा गुरुदेव, मैं चलाई चल रहा हूँ, सारे संत देख रहे हो, मैं बड़े बड़े पीठाधीश जगत गुरु का मैंने मन संचालन किया, मुख्यमंत्री का मन संचालन करता हूँ गुरुदेव, लेकिन मैंने ऐसा दिव्य दरबार कहीं नहीं देखा आज तक। और इसीलिए बार बार रोना आता है कि दरबार हमसे कहीं छूट ना जाए, हमसे कहीं अपने चरणों से गुरुदेव दूर ना कर दे हमें। कोई दरबार नहीं छूट रहा है, बस ये आपने आशीर्वाद दे दिया गुरुदेव, धन्य हो गया गुरुदेव। धर्मपत्नी क्या नाम है? सुदेश जी। गुरुदेव धर्मपत्नी का फोन आया गुरुदेव, सुदेश, सुदेश गुरु जी उसका फोन आया गुरु जी, उसको कल से जब संकल्प लिया गुरु जी, उसके शरीर में बहुत बेचैनी हुई, शायद उसके ऊपर भी कोई बात आया गुरुदेव, कई बार वो बोलती है गुरुदेव तो निकलता ही है, वो चौंकी से बोलती है, वो कह रही है गुरु जी अर्जी लगा दो मेरी, मेरे ऊपर क्या हुआ है? उसकी अर्जी लगी हुई है जी गुरु जी, उसकी गंदगी बहुत निकली है, और संकल्प जो होगा मंगलवार वाला वो संकल्प कर लेंगे, और शनिवार वाला संकल्प जरूर कराना, मंगल और शनिवार का गुरुदेव, शनिवार वाला बेस्ट है आप लोगों के लिए जो लोग एक दूसरे अनुष्ठान में भाग लेते हैं जी गुरुदेव। देखो क्या है ना कि इधर बीच में काफी हमारा भी होच पोच रहा जी, तमाम इस तरह आना जाना आना जाना पड़ा, कुछ दरबार बन रहे हैं बाहर जी वो भी देखने जाना पड़ा जी, कुछ ध्यान साधना केंद्र बन रहे हैं जी वो भी देखने जाना पड़ा, पहाड़ों पे है सब जी, तो काफी भाग दौड़ रही जी है ना, उसी बीच में आपके भी कई फोन मेरे पास आए गुरुदेव, बस मैं बड़ा परेशान लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चे के लिए सब परेशान थे, हमारे पास पता ही किसका फोन आया आपको, हमारे हम तो साथ रहे दोनों, हाँ वो उनका वो गुरुदेव उनका भी मन संचालन मैं करता हूँ गुरुदेव, तो मेरा हम, बहुत नजदीक की मामला है जी उनसे, हम भी। और वो दोनों एक साथ एक बताया था उन्होंने जी, एक रूम में ही रहते थे बताया था गुरुदेव उन्होंने भी, और हमारे राजनीतिक कम पारिवारिक संबंध ज्यादा थे, उन्होंने बताया गुरुदेव कहने लगे आपको दरबार से जैसे आप पहले थे उससे बढ़िया बनोगे आप, बोले ये मेरा वादा आपसे, आप तो पैसे भी दे रहे थे जी, लेकिन वो भी नहीं लिए गए आपसे, नहीं लिए गए, एक दूसरी हवन में रुपया नहीं लिया गया, बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि रिश्ते हमारे ऐसे जी जी, तो परिवार के सदस्य हो तुम जी जी जी, इसलिए कोई नहीं, उन्होंने तो मेरे को एक बात कही, बोला रो ना शर्मा जी, गुरुदेव तेरे को वही स्थान देंगे जो तेरे को पहले दिया, वैसे ही जाके वहीं बैठियो, ये मेरा वादा है, बोला हमारे घर के तालुकात हैं गुरुदेव से, ऐसी कोई उनके कई बार फोन आए, आज भी फोन आया उनका जी, मेरे पास भी आते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कई बार है, वो कहना क्या तू घबरा ना ना डर ना, तेरा बच्चा भी वही ठीक होगा, जब तेरा विश्वास है बेटे को तेरा बच्चा वही ठीक होगा, 100% तेरे घर की सारी समस्या का समाधान होगा, ठीक बात सब अच्छा होगा ठीक है। तो गुरु जी उसको इसकी मम्मी को क्या गुरुदेव? कुछ नहीं, संकल्प ही करे केवल बस, उसको आज वो कह रही मेरा तो शरीर आएगी, वो तो आएगी करने की, हाँ वो तो आएगी गुरुदेव, उसका शरीर अब बहुत बेचैन है, कह रही शांत करवा देना मेरा, केवल संकल्प करेगी उसी से अच्छी हो जाएगी, और गुरुदेव वो मेरा भाई वो उसकी मुक्ति होगी नहीं, हमारे पितर मुख हमें बचता ही नहीं, कोई बचता ही नहीं है, इसकी इसकी इसके वो लक्षण लगते हैं मेरे को जो बड़े भाई में थे मेरे जी, अब उसकी स्मृति ने बनाई, वो तो गंदगी गई, अब वो गंदगी इसमें नहीं है, तो जैसे बच्चे में जी, वो सब गंदगी नहीं है जी, जैसे बताएं आपको, देखो ये बच्चा क्या है ना, ब्रेन डिसऑर्डर का केस है जी, एकदम से कभी कभी हाइपर होता है, कभी कभी एकदम पैनिक अटैक होता है जी, इसको एकदम से आएगा, सिज़ोफ्रेनिया भी इसको रही जी, इसको चीजें महसूस होती थी, दिखाई पड़ती थी जी, महसूस होती थी कुछ है आसपास है जी, ऐसा इसको फील होता था जी, वो सभी सब इसके अंदर के अंग धीरे धीरे शिथिल हो रहे थे, इंटरनल ऑर्गन्स इसके धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे थे जी, और इसका जो शरीर है ना, शरीर के अनुसार इसकी बुद्धि नहीं बनी जी, इसकी बुद्धि छोटे बच्चे की रह गई जी, बुद्धि कम हो गई, मतलब छोटा बच्चा बन के रह गया, तो इस कारण से बुद्धि का विकास जरा कम हो पाया इसका जी, और इसका हृदय भी कमजोर रहा जी, हृदय का भी पूर्ण विकास इसका नहीं हुआ, लंग्स भी पूरी तरह पंप नहीं कर पाते जी, इसके लंग्स पूरी तरह पंप नहीं होते जी, ये भी दरबार ने लेकिन कभी अभी इसको काफी स्ट्रॉन्ग किया, खूब इलास्टिसिटी बढ़ाई, चलते चलते गुरु जी गिर जाता है, वही ऑक्सीजन कम हो जाती है, आंखों से टेढ़ा बन देखता है गुरु जी, ऑक्सीजन कम हो जाती है इसके शरीर में, इसलिए ऐसा होता है, इसकी स्पाइन में भी सर्वाइकल में भी इसको प्रॉब्लम होती, चक्कर आ जाता है इसको, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, यहाँ कष्ट था इसको, अब नहीं है, वो चला गया, अब कुछ भी नहीं बचा है, नर्वस सिस्टम इसका काफी वीक था जी, बहुत वीक इसका नर्वस सिस्टम, ये सब असाध रोगों में आता है, इसकी नाक की हड्डी बढ़ रही है अंदर जी, इसके नाक की अंदर हड्डी बढ़ रही है जी, अभी दरबार ने उसको स्तंभित किया है बढ़ना नहीं, इसकी ब्रीदिंग इसकी खींच की ब्रीदिंग लेनी पड़ती है इसको, वो भी दरबार ने किया है, और इसका दाहिना अंग जो है बॉडी का वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, बहुत ज्यादा वीक हो रहा था, अभी दरबार ने वो भी अच्छा किया है, तो अभी जब आप महाहवन करेंगे वो होता है असाध रोगों के लिए है ना, अभी तो घर की सुख शांति के लिए हो गया नहीं, अब अमावस्या को पितरों की मुक्ति हो जाएगी जी, अमावस्या करवा लेंगे जी,
तो गुरु जी बस इसकी आंखों में चलते चलते ये तो कह रहा मैं ठीक होगा जब जाऊंगा नहीं तो मैं तो गुरु जी के यहाँ पड़े रहूंगा जी। कोई नहीं, आप अपना प्रार्थना संकल्प और लेपन जी, प्रार्थना संकल्प जरूर करना है, लेपन जरूर करना है जी, ठीक है जी, वो हम करवा देंगे व्यवस्था। हाँ कोई गुरुदेव बस अपने चरणों से लगा लो, गुरुदेव मेरे को जहाँ, गुरुदेव मेरे को दरबार जहाँ, मैं खुले मन से कह रहा गुरुदेव जहाँ मेरी ड्यूटी लगाया, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से समाज में बहुत मान सम्मान है गुरुदेव, अधिकारियों में भी नेताओं में भी, लेकिन मैं गुरु जी के चरणों में जुड़ना चाहता हूँ, यहाँ से मुझे जो आदेश हो मैं उस आदेश की पालना करूंगा गुरुदेव, करवा देंगे। तो मैं मेरे को तो ऐसी एंट्री कर दो गुरु जी जैसे पहले रखी थी ना आपने जी, ऐसे ही है, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही है, खुश रहो।